जीरो की तरफ बढ़ती दुनिया। शहरों में पानी का आपातकाल। ये धरती ने दिया है सिर्फ अपन के लिए नहीं, अपन का आगे का जनरेशन के लिए भी दिया है। बूंद बूंद के लिए तरसते शहर। शहरों के ऊपर खतरा बढ़ेगा कि किस तरह से अपनी पानी की जरूरत कहां से लाएंगे, किस तरह से लाएंगे। गार्डन सिटी पर लगेगी पानी की पाबंदी। तो पानी कंजर्व कीजिए प्लीज दूसरे जनरेशन के लिए। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया, यानी विश्व जल दिवस, और पानी को बचाने की कसमें खाई जा रही हैं। भारत की बात की जाए तो हमारे देश में पानी को मुफ्त की चीज समझी जाती है और उसे बिना किसी हिचक के बर्बाद किया जाता है। पूरी दुनिया में पानी के स्रोत खाली हो रहे हैं, हमारा देश भी पानी वाली कंगाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु बहुत जल्द भारत का केप टाउन बन सकता है। यानी पानी का संकट इतना गहराता जा रहा है कि हर दिन हजारों टैंकर पानी शहर तक पहुंचाने के लिए लाया जाता है। कहते हैं जल है तो जीवन है, और जल के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ इसी तरह के मुश्किलों का सामना पूरी दुनिया कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की हालत भी केप टाउन जैसा हो सकता है। पानी की कमी के कारण केप टाउन अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक बेंगलुरु को उन 10 शहरों में जगह दी गई है जहां जल्द ही लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। डाउन टू अर्थ नाम की मैगजीन में दावा किया गया है कि बीते कुछ सालों में बिना प्लानिंग के शहरीकरण और गांव में अतिक्रमण की वजह से बेंगलुरु के 79% तालाब खत्म हो चुके हैं। वहीं मानव निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर 1973 के 8% के आंकड़े से बढ़कर 77% हो गया है। बीते 2 दशकों में बेंगलुरु का वाटर टेबल 10-12 मीटर से बढ़कर 76 से 91 मीटर तक नीचे चला गया है। वहीं बीते 30 सालों में पानी निकालने के लिए खुदे हुए कुओं की संख्या 5,000 से बढ़कर 4.5 लाख पहुँच गयी है। हम जानते हैं कि शहर की जो जरूरत होती है पानी की, वो बढ़ती जा रही है। पहले शहर अपना पानी अपने पास वाले स्रोतों से लाते थे, अब दूर दूर से पानी आ रहा है। बैंगलोर देख लीजिए, कावेरी से पानी आ रहा है। आज केप टाउन का सवाल है, साउथ अफ्रीका के शहर के अंदर इतना कम पानी है कि कहा जा रहा है कि आप फ्लश मत करिए। और यही स्थिति हमारे शहरों की भी आने वाले समय में होगी। एक रिपोर्ट की माने तो बेंगलुरु की झीलों का 85% पानी पीने या नहाने लायक नहीं है। इसके अलावा यहाँ का आधा से अधिक पानी शहर में लगी सप्लाई की पाइपों में ही रिस कर बर्बाद हो जाता है। इसका कारण शहर में पुराने पाइपों का होना है। बोरवेल में पानी नहीं रहा है और ये ग्रोथ ऑफ बेंगलोर है ना, इतना बढ़ गया है, उसमें साइंटिफिक प्लानिंग नहीं है। बेंगलोर में तो पूरा लेक सब नाश हो चुका है, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग नहीं हो रहा है। बैंगलोर में तो फिर भी बारिश इतनी पड़ती है, उसके बावजूद पानी की इतनी कमी है। वाटर टेबल हैज गॉन डाउन। आई लाइक टू आस्क ऑल ऑफ द पीपल इन बैंगलोर टू स्टार्ट कंजर्विंग वाटर। बढ़ती जनसंख्या बेंगलुरु में पानी की कमी की एक बड़ी वजह है। 2012 में शहर की जनसंख्या 90 लाख थी, वहीं 2018 में ये आंकड़ा 1,10,00,000 पहुँच गया है, जिसकी वजह से पानी के स्रोतों पर दबाव बढ़ा है। 2018 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर पानी मौजूद है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक 2031 तक प्रति व्यक्ति एक दिन सिर्फ 88 लीटर पानी ही इस्तेमाल कर पाएगा। जनसंख्या के बढ़ने से पिछले कुछ सालों में बेंगलुरु के आसपास के करीब 100 गांव खत्म हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से पेड़ पौधों की कमी से बारिश के पैटर्न में भी बदलाव दर्ज किया गया है।
हमारा जो अध्ययन है उससे ये दिखाता है कि शहर की जो पानी की खपत है वो बढ़ती जा रही है और शहर अपनी पानी निकास के पानी का क्योंकि ध्यान नहीं रख रहा, उसका सुएज जो है, पोल्यूशन जो है वो नदियों का तबाह कर रहा है। पानी का जो खतरा होता है ये याद रखिए आप और मेरे हाथ में है। ये खतरा ऐसा खतरा होता है कि हम उस लड़ाई को जीत भी सकते हैं, हम उसको हार भी सकते हैं। अगर पानी की कमी को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए तो जल्द ही बेंगलुरु भारत का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जहां बिल्कुल पानी नहीं बचेगा। बेंगलुरु के साथ दुनिया के 10 और बड़े शहर तेजी से डे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। डे जीरो का मतलब वो दिन है जब नल से पानी आना बंद हो जाएगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी भी देर नहीं हुई है। बेंगलुरु को जल संकट से बचाने के लिए सही दिशा में काम करने की जरूरत है। If you want water for the tomorrow, we need to have a watershed program implemented in a true spirit, wherein we should give emphasis on the native species. And we can do it in 20 months. You don't require 20 years. विकास की कीमत सबसे ज्यादा पानी नहीं चुकाई है और ये मार भारत जैसे विकासशील और ज्यादा जनसंख्या वाले देश पर ज्यादा पड़ी। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब केप टाउन के बाद बेंगलुरु दुनिया का